सुपर हाईवे मेमनगोट के अतराफ का इलाका मैदान जंग बन गया। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी था कि मुसल्लह अफराद ने हमला कर दिया, शदीद फायरिंग, पुलिस भी इंसदादे तजावुजात अमले को छोड़कर फरार, ऑपरेशन रोक दिया गया। सेन बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और जिला इंतजामिया ने हलीम आदिल शेख के फार्म हाउस की तामीरात भी गिराई, एक एक जमीन लीज है, हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर भी मौजूद है। सेन के चीफ एग्जीक्यूटिव मुराद अली शाह ऑपरेशन से लाइल्म निकले। मुझे नहीं पता जी, कार्रवाई किसी अलीम आदिल शेख के खिलाफ कार्रवाई का कोई ऐसी बात नहीं है, मुझे नहीं पता किस सिलसिले में वो बात ही कर रहे हैं। सिंध काबीना की सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के रूल्स में तरमीम, गैर कानूनी तामीरात गिराने के लिए DGSPCA की इजाजत की जरूरत नहीं। सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने के लिए बड़ा इकदाम, वफाकी काबिना ने ऑर्डिनेंस जारी करने की मंजूरी दे दी। वजीर आजम इमरान खान ने कह दिया, आवाम से किया गया अपना एक और वादा पूरा कर रहा हूँ। सेनेट इंतखाबात के शेड्यूल के इजरा से पहले ऑर्डिनेंस जारी होने का इम्कान। भारत अगर समझता है कि पाकिस्तान को दबा लेगा तो ये इसकी खाम ख्याली है। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं, भारत पाकिस्तान को दुनिया में तन्हा नहीं कर सकता। निजी टीवी को इंटरव्यू में वजीर आजम ने कह दिया, लीबिया इराक में लोग सड़कों पर आए, चोरों के लिए कोई बाहर नहीं निकलता। नवाज शरीफ तो खौफ से दुम दबाकर बाहर बैठे हैं, उनके भाई के बच्चे मुंशी सब बाहर हैं। अभी NRO दे दूं तो ये कहेंगे इमरान खान से जबरदस्त कोई नहीं। उल्टे लटक जाएं, आटा चीनी गैस चोरी पर NRO नहीं मिलेगा। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं, डेली मेल में 14 जुलाई 2019 को खबर शाया हुई जिसने वजीर आजम हाउस से जन्म लिया। खबर के सहूलतकार शहजाद अकबर थे। खबर छपने से पहले सहाफी डेविड रॉस और इमरान खान की मुलाकात हुई। ये खबर शाया करके हतक इज्जत की गई। रोटी चीनी गैस बिजली दवाई का हिसाब मांग रही है। अब ये आपके झूठे प्लांटेड स्टोरी जो है, ये इनकी हैसियत कचरे के डब्बे और डस्टबिन्स में फेंकने वाली, और आवाम भी इसी तरह इनको डस्टबिन्स में फेंकेगी। शहबाज शरीफ का केस अभी शुरू हुआ है, जीत कैसे गए? मुआफ़िक खुसूसी एहतसाब, शहजाद अकबर कहते हैं, पनामा की तरह डेली मेल पर भी पहले ही जीत की खुशियां मनाई गई। बड़ी और छोटी मरियम ने मिठाइयां बांटना शुरू कर दी। शिबली फराज कहते हैं, डेली मेल केस का भी बहुत सफर बाकी है, मुल्क लूटने वालों से किसी तौर डील नहीं हो सकती। वफाकी वजीर फवाद चौधरी को तो मास्क के बावजूद फजल रहमान और मरियम नवाज के चेहरों पर मायूसी नजर आई। कहा, अदालतों से इन्हें NRO मिल नहीं पा रहा, इन्हें चाहिए कि मुत्तहिद हो जाएं और PDM एक जमात बनकर बल्दियाती इंतखाबात लड़े। मरियम नवाज की इस्लामाबाद में मौलाना फजल रहमान के घर आमद, सियासी सूरतेहाल पर तबादला ख्याल, लॉन्ग मार्च और सेनेट इंतखाबात का मुद्दा जेरे बहस। वफाकी मोहतसिब बराए जिनसे हिरासगी, कश्माला तारिक के खिलाफ रेफरेंस लाने का फैसला, डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान ने तस्दीक कर दी। कहा, कश्माला को कैश माला कहा करें, वजीर आजम कानूनी चाराजोई के लिए हिदायत जारी कर चुके हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से लगने वाली महंगाई की आग फैलने लगी। गुज़िश्ता हफ्ते महंगाई बढ़कर 7.82% तक पहुंच गई। मुर्गी, कुकिंग ऑयल, घी और मिर्च समेत 31 अशियाए ज़रूरिया महंगी। LPG सिलेंडर की कीमत में सबसे ज्यादा इजाफा रिकॉर्ड। लाहौर चिड़ियाघर में सफेद टाइगर के बच्चों की हलाकत गैर मुनासिब खुराक की वजह से हुई। ज़राए के मुताबिक मस्नूई दूध और गोश्त खोरी के बायस टाइगर के बच्चे डायरिया का शिकार हुए। सर्दी के वार रोकने का हल, मिट्टी के घरों दे, टेक्सला के करीब कच्ची बस्ती खून जमा देने वाली सर्दी और मौसम की सख्तियों के आगे महफूज किला बन जाती है। मुल्क में आएगा सुनहरी रेशम का इनकलाब। फैसलाबाद अयूब रिसर्च इंस्टीट्यूट का मजबूत तरीन धागा पैदा करने वाले दुनिया के तीसरे बड़े सहराई पौधे सिसल का कामयाब तजर्बा। धागा टेक्सटाइल इंडस्ट्री, बहरी जहाजों के रस्से और कालीन बाफी में इस्तेमाल होगा।